हाय टू ऑल एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आज के बर्निंग इशू में और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इलेक्शन कमीशन के बारे में या मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में और यहाँ पे मोदी जी से जुड़ी हुई क्या क्या चीजें उन सब के बारे में बात करेंगे लेकिन इससे पहले एक बार इसे आप इस टॉपिक की हेडलाइन देख लीजिए दिल्ली हाई कोर्ट ईयर बोला गया है पीएम मोदी के ऊपर प्रतिबंध लगाना चाहिए क्योंकि इन्होंने धर्म के आधार पर वोटों की अपील की है तो आइए जरा इस पूरे टॉपिक को समझेंगे कि इस पूरे टॉपिक के अंदर क्या चीजें लेकिन इससे पहले एक बार से सेशन को 200 तक पहुंचा भी दीजिएगा आइए जरा जानते हैं कि यहाँ पे टॉपिक है क्या देखिए आप सभी को पता है कि इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी होती है कि वो इलेक्शंस को कंडक्ट करवाते हैं और जिस दिन इलेक्शन की डेट अनाउंस हो जाती है उसी दिन से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को लागू कर दिया जाता है ये जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है जब ये लागू हो जाता है तो इसके अंदर कुछ रूल्स बताए जाते हैं या आप कह सकते हैं कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है ये इसलिए बनाया जाता है ताकि जो कैंडिडेट्स हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके लिए जो रूल्स बनाए गए हैं उन रूल्स को वो फॉलो करें ताकि जो चुनाव हो वो फेयर तरीके से कंडक्ट कराया जा सके अब ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होता है इसके अंदर आपको रूल्स एंड रेगुलेशन देखने को मिलते हैं जिनको फॉलो करना मैंडेटरी होता है अगर इनको फॉलो नहीं किया जाता है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो इसके ऊपर एक्शन लेता है और कई बार जो कैंडिडेट होता है उसको डिसक्वालीफाई भी कर दिया जाता है और कई बार जेल भी हो सकती है या उनके ऊपर कोई दूसरा एक्शन जो है वो लिया जा सकता है ठीक है तो अब यहाँ पे पॉइंट क्या है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में ठीक है अब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट तो लागू है ये तो हम सभी लोग जानते हैं क्योंकि इलेक्शन कमीशन जो है ये लोकसभा के इलेक्शन जो नाइनटीन ऑफ अप्रैल से स्टार्ट होने जा रहे हैं इसका पूरा शेड्यूलर रिलीज कर चुका है और इसके जो रिजल्ट्स आएंगे वो रिजल्ट्स कब आएंगे रिजल्ट्स आएंगे चार जून को ये भी हम लोग को मालूम है अब क्या हो रहा है ना जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो अलग अलग जगह पे अपनी रैली निकाल रही हैं ऑब्वियस बात है हर कोई करता है तो यहाँ पर क्या हुआ एक रैली निकाली गई है और इस रैली के अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देखो आपको नजर आ रहा होगा कि बीजेपी पार्टी के द्वारा एक रैली निकाली गई और ये जो रैली निकाली गई है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ये रैली कहाँ हुई यूपी के अंदर आपको ये रैली देखने को मिली पीलीभीत के अंदर पीलीभीत में जब इस रैली को निकाला गया तो यहाँ पे पीएम मोदी की आपको स्पीच देखने को मिलती है और यहाँ पर इन्होंने इन्होंने जो अपनी स्पीच दी है उसके अंदर इन्होंने क्या बोला है इन्होंने कहा है हिंदू रिलीजन को हिंदू रिलीजन को ध्यान में रखते हुए या फिर आप कह सकते हैं कि इन्होंने अपनी स्पीच में हिंदू रिलीजन की बात की है सिखिज्म की बात की है और यहाँ पे जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो चुका होता है तो आप पॉलिटिकल चीजों के अंदर रिलीजन को लेके या धर्म को लेके किसी भी चीज के ऊपर बात नहीं कर सकते आप बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर सकते जिससे कि एक पीस या हारमोनी जो है वो किसी भी तरीके से इफेक्ट हो अले। तो यहां पर क्या हुआ पीएम मोदी की जो स्पीच देखने को आपको मिली यूपी पीलीभीत के अंदर यहाँ पे बोला गया है कि पीएम मोदी ने जो अपनी स्पीच दी है उसमें रिलीजियस बातें की है अब ये कहा किसने है तो ये बोला गया है यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे एक लॉयर है जिनका नाम है आनंद एस जोन डाले इन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर एक पेटिशन को फाइल किया है तो दिल्ली हाई कोर्ट में पिटिशन फाइल करने क्यों गए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लागू करता है तो इलेक्शन कमीशन के पास में जाना चाहिए तो यहाँ पर इन्होंने बताया कि ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास में तो गए थे लेकिन उन्होंने इसके ऊपर कोई सुनवाई नहीं की जिसके चलते ये दिल्ली हाईकोर्ट के पास में आए हैं और वहां पे आके इन्होंने अपनी एक पेटिशन फाइल की है PM Modi. PM Modi के एक फाइल की है। जहां पे आप देख पा रहे होंगे well यानी कि दो रिलीजन को यहाँ पे इन्होंने अपनी स्पीच के अंदर शामिल किया था जिसके चलते यहाँ पे इस पेटिशन को फाइल किया गया है तो ये जो पेटिशन फाइल हुई है दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि क्या पूरा का पूरा मुद्दा है अच्छा अब एक चीज और है आप सबको मालूम है कि जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगता है तो यहाँ पे सारे के सारे रूल्स फॉलो करना मैंडेटरी हो जाता है तो इस कंडीशन में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जिम्मेदारी बनती है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसके ऊपर कोई एक्शन ले बट अभी तक इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया जिसके चलते दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गए ठीक है अब यहाँ पे एक आईपीसी आपको देखने को मिलता है आईपीसी 153 ए ये जो आईपीसी ए सेक्शन है इस सेक्शन के अंदर बोला जाता है कि कोई भी व्यक्ति अगर अपनी स्पीच के अंदर किसी धर्म को शामिल करता है और अगर उससे किसी भी तरीके से पीस और हार्मोनी इफेक्ट होती है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा तो यहाँ पर क्या हो रहा है यही पॉइंट किया जा रहा है कि यहाँ पे इनको अपनी स्पीच के अंदर रिलीजियस बातें नहीं करनी चाहिए थी तो द ऑफ मोदी फ्रॉम कंटेस्टिंग एनी इलेक्शन द पीरियड ऑफ द सिक्स तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन को पीएम मोदी को डिसक्वालीफाई कर देना चाहिए अगले छह सालों के लिए ताकि ये किसी भी इलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट ना कर सके मतलब किसी भी सीट से लड़ ना सके तो अब देखना ये है कि इसके ऊपर क्या चीजें और निकल के आती है तो दैट रिस्पॉन्डेड मोदी सेट दैट ही हैज कंस्ट्रक्टेड द राम मंदिर मतलब यहाँ पे जो रिस्पॉन्स आए हैं उसमें काफी सारी चीजों को मैंशन किया गया बट अब देखना ये है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की तरफ से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से या दिल्ली कोर्ट की तरफ से क्या चीजें निकल के आती हैं यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि जो आ, रिवर्ट आया है जो आंसर आया उसमें राम मंदिर की बात हुई है करतारपुर साहिब कॉरिडोर जो की डेवलप किया गया उसके बारे में बात हुई थी जो लंगर सर्व किए जाते हैं गुरुद्वारों पर उसके बारे में बात हुई है और साथ ही साथ में यहाँ पे आप देख पाएंगे ये जो लिखा हुआ है ये वाला पॉइंट गुरु ग्रंथ साहिब फ्रॉम अफगानिस्तान ये सारी चीजें जो है ये इसके अंदर बात की गई है right. तो मैंने आपको यहाँ पे पूरा ये टॉपिक बताया कि क्यों ये सुर्खियों में चल रहा है आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी अब देखना ये है कि इलेक्शन कमीशन का रिवर्ट क्या आता है या दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से रिस्पॉन्स क्या आता है आप मुझे बताइएगा कि इस पे क्या एक्शन लिया जा सकता है या इस पे इलेक्शन कमीशन या फिर दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से क्या चीजें कही जा सकती वो आप सेंसिबल वाली जो बातें वो आप कॉमेंट बॉक्स के अंदर मेंशन करके बता सकते हैं चलिए फिर मिलते हैं आपसे कल सुबह सात बजे चलते हैं बब बाई ठीक टू ऑल